हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिम स्वैप फ्रॉड को लेके। तो गाइज, ये सिम स्वैप फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और काफ़ी लोग इसके विक्टिम हो चुके हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, कैसे आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है, कैसे आपके अकाउंट्स में, चाहे आपके लाखों हो करोड़ों रुपए हो, वो जीरो कर दिया जाता है और आपको इसकी कानों कान खबर नहीं होती, यानी आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं, उड़ा दिए जा चुके हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जो मेथड है और इसका जो इस्तेमाल करते हैं फ्रॉडस्टर, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस आप बोल सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रिकी प्रोसेस है, सोशल इंजीनियरिंग है अगर उसे छोटा करना है तो। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिम स्वैप आखिर होता क्या है। तो गाइस, सिम स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आपका एक कोई सिम है, सिम कार्ड है, जैसे आप एयरटेल या वोडाफोन या फिर आइडिया का सिम यूज़ करते हो, तो आपने उस सिम को मान लो कहीं पे गुमा दिया, यहाँ पे कहीं पे खो दिया, आप कहीं आपका सिम जो है वो खो जाता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आपको सेम नंबर का सिम चाहिए होता है, तो उस केस में क्या होता है, आपको नई सिम, ब्लैंक सिम परचेज करनी पड़ती है उसके रिटेल आउटलेट से और वहाँ पे आपको वो सेम नंबर का जो सिम है वो प्रोवाइड कर देते हैं, या तो ब्लैंक सिम में वो सिम वो नंबर चढ़ा के आपको दे देते हैं। तो सेम यही फंड अपनाया जाता है, बट इसको इलीगल तरीके से किया जाता है और ये करते हैं फ्रॉडस्टर। अब इसका रीज़न क्या है, ये आपको पता चल चुका होगा अब तक, क्योंकि आप सबको पता है कि आज के टाइम में सिम अगर आपका किसी के पास चला जाता है तो वो आपके बैंक डिटेल्स को एक्सेस कर पाएगा, वो आपके फेसबुक प्रोफाइल को एक्सेस कर पाएगा, आपके वो नेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाएगा, मतलब एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हो सकती है, आपका अगर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है उसमें लॉगिन कर पाएगा, पासवर्ड चेंज कर पाएगा, हर चीज़ की पासवर्ड को चेंज करके उसमें वो घुस सकता है, क्योंकि हर चीज़ सिम से जुड़ी हुई है और जो भी चीज़ आपको करनी है उसके लिए सिम पे आपके OTP आता है और उसके बाद ही कुछ भी होता है। तो सिम कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, अगर आप अपने पूरी फाइनेंशियल चीज़ को बचाना चाहते हैं, अपने पूरे इनकम को बचाना चाहते हैं, अपने कमाई को बचाना चाहते हैं इसलिए। तो गाइज, अब अटैकर्स यानी कि फ्रॉडस्टर, अटैकर्स नहीं कहेंगे, अटैकर्स कहना बेइज्जती हो जाएगी, फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं वो करते क्या हैं, तो ज़्यादातर टारगेट किया जाता है ओल्ड मैंस को, जो 50 साल से 60 साल के बीच होते हैं, 60 से 70 होते हैं, तो इनका जो फ्रॉड है इनके साथ करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, ओल्ड मैंस को कॉल करते हैं और कॉल में वो बताते हैं कि हम इंश्योरेंस एजेंट्स हैं या फिर हम ऑपरेटर्स, मतलब हम अगर एयरटेल का आपका नंबर है तो उनको पता ऑलरेडी होता है कि हम एयरटेल से बात कर रहे हैं, एयरटेल कस्टमर सर्विस से बात कर रहे हैं, और कॉल करने से पहले वो उस पर्सन के बारे में सारी डिटेल्स ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं, उसका नाम, पता, घर का एड्रेस, आधार कार्ड का नंबर, इवन बहुत सारी डिटेल्स उसके ऑलरेडी वो कैप्चर गैदर कर चुका होता है। उसके बाद उसे कॉल किया जाता है, कॉल करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आपका जो है वो सिम कार्ड जो होता है, सिम कार्ड उसके पीछे का 16 डिजिट या 20 डिजिट का नंबर होता है, सिम नंबर जो होता है, उस सिम नंबर को लेने के पीछे सारी कहानी, सारी जो चीज़ें हैं वो दौड़ती हैं, और सिम नंबर चाहिए होता है जो फ्रॉडस्टर होते हैं उनको। अब उसके लिए वो तरह तरह की बहाने करेगा, तरह तरह की बातें बनाएगा, बोलेगा कि आपके नंबर, आपका नंबर जो है रेगुलर मेंटेन चेकअप में है, रेगुलर चेकअप किया जा रहा है आपके नंबर पे, आपके नंबर पे कॉल ड्रॉप की जो दुविधा हो रही थी, कॉल ड्रॉप का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसे सॉल्व करने के लिए आपका सिम नंबर चाहिए हमें, ताकि हम आपके कॉल ड्रॉप को सही कर पाए। सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि चलो हाँ, कॉल ड्रॉप तो ऑब्वियसली होती है आजकल, कॉल ड्रॉप पॉसिबल है 110%, हर सिम हो, कोई भी सिम हो, कोई भी ऑपरेटर हो, तो वो सोचता है कि चलो मेरा सिम में कॉल ड्रॉप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्या बंदा करता है, सामने वाले जो ओल्ड मैन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने सिम का नंबर आराम से दे देते हैं। अब जैसे ही सामने वाले फ्रॉडस्टर को सिम का नंबर मिलता है, वो कॉल करता है कस्टमर सर्विस एयरटेल ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली वो सिम स्वैप करते हैं, कॉल करते हैं कस्टमर केयर को, बोलते हैं कि मेरा सिम गुम हो चुका है, आप प्लीज़ इस सिम नंबर के सिम को एक्टिवेट कर दीजिए दूसरे सिम पे, और उनके पास होता है ब्लैंक सिम, और उनके पास ऐसी शॉप होती है, जान पहचान वाले होते हैं, जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ से ही कॉल करते हैं, और वो उनके पास ब्लैंक सिम होता है, उसके बाद कुछ कोड एक कस्टमर केयर वाले जो हैं उस कोड को अप्रूव करवाते हैं, अप्रूव भी हो जाता है, और इस तरह से पूरा नया सिम एक एक्टिवेट हो जाता है, और जो पुराना वाला सिम है जो रियल ओनर का होता है उसे बंद कर दिया जाता है, उसे सिग्नल बिल्कुल चला जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि सिग्नल इंस्टेंटली जाता है, जी नहीं, सिग्नल जाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, यानी न्यू सिम एक्टिवेट होने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं, 4-5 घंटे तक सिग्नल नहीं जाता पुराने वाले फ़ोन का। तो इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं जो फ्रॉडस्टर होते हैं, कैसे वो आपको टैकल करते हैं, तो जो फ्रॉडस्टर होते हैं आपका सिम नंबर जब उनको मिल जाएगा तो वो अलग अलग फ़ोन नंबर से आपको परेशान करना शुरू करेंगे, आपके साथ अलग अलग तरह की फालतू की बातें करेंगे, वो आपको इतना परेशान कर देना चाहेंगे कि आप मजबूरी में अपना सिम जो है वो ऑफ़ कर ले, अपने फ़ोन को बंद कर ले। फ़ोन जैसे ही आप बंद करते हैं तो आप 4-5 घंटे तक अगर फ़ोन ऑफ करके रखते हैं तो आपको पता भी नहीं चलने जा रहा है कि आपके उस सिम का कहीं पे क्लोन तैयार हो रहा है, सिम का स्वैपिंग हो रहा है, और बिल्कुल सेम नंबर का सिम कहीं और भी इशू
हो रहे हैं क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब बात करते हैं कि अब ट्रांजेक्शन, अब सिम तो इश्यू हो गई फ्रॉडस्टर के पास, आपको पता भी नहीं चला, आपने सिम ऑफ करके रखा, फ़ोन ऑफ करके रखा है, तो अब जो आपके सिम में नेटवर्क आता था जब आप ऑन करेंगे तो बिल्कुल नेटवर्क गायब हो जाएगा, नेटवर्क का कहीं नामो निशान नहीं होगा, बिल्कुल एयरप्लेन मोड जैसे ऑन हो जाता है उस तरह का आपका फ़ोन दिखने लगेगा और कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि अगर ऐसे अचानक से कभी नेटवर्क नहीं आता है फ़ोन में तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे अब अटैकर कुछ भी करेगा उस स्वैपिंग वाले सिम से, यानी कि उस क्लोन्ड सिम से, आपको कुछ आइडिया नहीं होने जा रहा है क्योंकि आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा, सारे मैसेज सब कुछ तो उस पे आते हैं जो आपका सिम होता है, आपके मोबाइल में तो नेटवर्क है नहीं। तो अगर सामने वाला फ्रॉडस्टर आपके बैंक डिटेल्स भी एक्सेस करेगा या फिर उस पर कोई ट्रांजेक्शन करता है तो आपको कभी पता नहीं चलने जा रहा है क्योंकि आपके पास कोई भी अलर्ट, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि उसके लिए वो सिम सामने वाले फ्रॉडस्टर के पास है, आपके पास नहीं है। इस तरह से वो पूरी की पूरी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर सकता है, आपकी पूरी नेट बैंकिंग का सफाया कर सकता है, आपकी पूरी बैंक डिटेल्स से, जो भी बैंक आपके उस फ़ोन से कनेक्टेड होंगे नंबर से, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका पूरा जो बैलेंस है, पैसे हैं, वो सब निकाल सकता है। कोई आप क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदा हुआ है तो आपके वॉलेट में लॉगिन करके आपका पूरा क्रिप्टो करेंसी लाखों लाखों का वो ख़त्म कर सकता है और एक तरह से आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है, आपके नाम से, आपके नंबर से किसी और को वो ब्राइबरी कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस केस हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपाय हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके अगर फ़ोन से अचानक से सिग्नल गायब हो जाता है और कुछ देर तक सिग्नल गायब हो जाता है और आता नहीं है बार बार, कितना भी आप मैनुअल सिलेक्शन करें नेटवर्क या कुछ भी करें, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और तुरंत आपको ऑपरेटर से बात करनी चाहिए दूसरे के नंबर से और उनको बताना चाहिए कि आपका नंबर आपके पास है, सिम आपके पास है, फिर भी आपका सिग्नल बिल्कुल लॉस हो गया है। इस तरह से कुछ हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें, अपनी इन्फॉर्मेशन का मतलब है अपनी फ़ोन से जुड़े, अपने सिम से जुड़े इन्फॉर्मेशन किसी को भी ना प्रोवाइड करें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी प्रोवाइड ना करें, चाहे कोई भी हो, आपसे कितना भी रिक्वेस्ट कर रहा हो, आपसे किसी तरीके बात कर रहा है, किसी तरह आपको प्रलोभन दे रहा है, मतलब कि आपको लुभा रहा है कुछ भी बोल के कि चलो मैं आपको ये ऑफ़र है, आपके लिए ये ऑफ़र है, तो आप उसको बिल्कुल नेगलेक्ट करें। कभी भी ऐसा कोई भी ऑफ़र या फिर कुछ भी ऐसा प्रमोशन या फिर कुछ भी ऐसा आपको मिलता है, आपके मेल आईडी पे भी आती है या फिर कोई कॉल आता है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें। इग्नोर करने में आपकी भलाई है, अगर आपने इग्नोर नहीं करी तो आपके साथ क्या हो सकता है आपको खुद नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक से बचने का एक और ये तरीका है कि कभी भी कहीं पे भी, कहीं पे भी हर जगह एक ही नंबर का यूज़ ना करें, यानी कि अगर आपके दो तीन बैंक डिटेल्स हैं तो आप अलग अलग बैंक डिटेल्स में अलग अलग नंबर का इस्तेमाल करें, और फिर अगर आपका वॉलेट है या फिर कहीं कहीं आपने नंबर रजिस्टर कर रखा है तो आप दो तीन नंबर रखें और दो तीन नंबरों को, दोनों तीनों नंबर को अलग अलग जगह पर रजिस्टर करके रखें, और ताकि इससे आपको ये हो जाए कि अगर आपका एक सिम कॉम्प्रोमाइज़ होता भी है तो दूसरा सिम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दूसरा सिम ईजिली आपका आराम से बचा रहेगा और आपकी जो है बाकी चीज़ें जो है बची रहेंगी उस सिम से जो कनेक्टेड होंगी। तो गाइस यहाँ पे सिम स्वैप का मामला काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में या फिर न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा, आपको सुनने को मिल जाएगा कि फलाना जगह के इस पर्सन के इतने लाखों का, फिर इतना बैंक डिटेल्स, बैंक से पैसे निकाल लिए गए हैं या फिर इतना निकाल लिया गया है, और इनके साथ फ्रॉड्स ये डेली के डेली होते रहते हैं, फिर भी बहुत लोग को समझ नहीं आती और लोग अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए थी जिनको इसका आइडिया नहीं है, या फिर अगर आपको आइडिया नहीं था तो आपको आइडिया लग गया होगा, कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें। तो यहाँ पे सिम स्वैप जो करते हैं, जो फ्रॉडस्टर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेटअप के साथ करते हैं, वो पकड़े ना जाए इस सेटअप के साथ करते हैं, उनके पास भी काफ़ी मशीन्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो ऐसे मुंह उठा के नहीं करते हैं। तो गाइज यहाँ पे बचना आपको है, आपको अपनी प्राइवेसी का ख्याल खुद रखना है, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है, अगर आप वहाँ पे चूकते हैं तो आपकी प्राइवेसी गई साइड में। तो गाइज यहाँ था इस वीडियो के लिए, सिम स्वैप फ्रॉड के ऊपर आपको एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गई होगी सिम स्वैप फ्रॉड कैसे होता है, किस तरीके से जो स्कैमर्स होते हैं वो सिम स्वैप फ्रॉड करते हैं और किस तरह से आप सिम स्वैप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे को दबा दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।